सपने छोटे देख रहे तो मतलब ही नहीं है। आप सपने हमेशा देखो ऊंचे, आसमान में टच करो सपने, लेकिन आपके कदम हमेशा जमीन पे होने चाहिए दोस्तों। अगर आपके कदम जमीन पे हैं और सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, दिस इज मी अमित कुमार, वेलकम बैक टू द चैनल बिहार टू स्काई, और आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल बिहार टू स्काई में। सो दोस्त, अभी ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है। पूछो क्या? पूछो, पूछ लो। चलो मैं बताता हूँ। बात यह है कि दोस्तों, मैं आपको अपना जर्नी, अब तक का जर्नी जो हुआ है, एक तरह से मोटिवेशनल है वीडियो आपके लिए, सब लोग के लिए, जो नए क्रिएटर है ना उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको मिस मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 जनवरी 2022 को मैंने अपना यूट्यूब चैनल बिहार टू स्काई क्रिएट किया था। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। तो उस दिन मैंने अचानक से सोचा कि हाँ, एक वीडियो, मेरे को वीडियो बनाने का भाई बहुत शौक था बचपन से, तो मतलब मैंने सोचा कि चलो मैं बनाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मैं। तो मैंने स्टार्ट किया और मैंने अपने सारे दोस्तों को अपना यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया, तो जितने भी दोस्त थे सब लोगों ने सब्सक्राइब किया, एज अ फ्रेंड सब करते हैं। तो अचानक से मेरे मतलब 100 सब्सक्राइबर्स तो मेरे अपने खुद के दोस्त थे, तो दोस्त मतलब सब लोग से, रिलेटिव सब लोग से मैंने वो शेयर वेयर करवा के वो सब्सक्राइब करवा लिया। तो फिर मेरा पहला जो मैंने वीडियो बनाया, तो भाई वो सब लोग, मैंने अपने दोस्त को बोला भाई शेयर कर दो शेयर कर दो, तो ऐसे ऐसे करके टोटल मेरे को 270 आदमी देख लिए। तो मेरे को लगा यार ये तो गजब चीज़ है भाई, 270 आदमी देख लिए, तब तो भाई मस्त वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया यूट्यूब पे, हर दिन कहीं अच्छे अच्छे जगह जाता था, जैसे मैंने सिमरिया धाम, एक जगह है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, वहाँ मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं मेरे चैनल जाके, सारा वीडियोस अभी भी है। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि अचानक से मतलब ऐसे करते करते फिर मैंने वीडियोस बनाए, 5-6 वीडियो बनाए, तो अच्छे अच्छे मतलब सबको शेयर करता था, सब ऑटोमेटिक देखते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से मुझे लगा कि यार मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं परेशान कर रहा हूँ लोगों को, मतलब भाई देख लो देख लो देख लो। तो मेरा मानना है कि अगर कुछ ऐसा बड़ा करना है ना भाई, तो किसी से मतलब बोलने का ज़रूरत नहीं है, खुद करो। तो मैंने क्या किया कि चलो ठीक है मैं बनाता हूँ वीडियो, किसी को शेयर नहीं करूँगा। तो मैंने शेयर करना बंद कर दिया दोस्तों, मेरे वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका था उस टाइम, तो 10 से 12 वीडियो अपलोड कर दिया था और व्यूज 200 व्यू आते थे मेरे वीडियोस पे, मैक्स मैक्स टू मैक्स। और शेयर करने के बाद का बात बोल रहा हूँ, फिर क्या हुआ मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिए, तो 15 वीडियो मैं अपलोड कर चुका था दोस्त, तो अचानक से मैंने शेयर करना बंद कर दिया। और मैं भाई इतना अचानक से क्या हुआ, जैसे मैंने शेयर करना बंद किया ना, तो मैंने देखा कि भाई मेरा वीडियो कोई देख ही नहीं रहा है, मतलब कि भाई 24 घंटा हो जाता था तो मेरे वीडियो पे व्यू पता है कितने आते थे, मात्र 40 35 40 32 35 40, इससे ऊपर नहीं। तो यार मैं थोड़ा टूट सा गया। ऊपर से जब आप नए क्रिएटर बनते हो या कुछ काम आप करते हो नया, तो आपको देखो जमाना क्या करता है, आपका टांग घिसता है। नॉर्मल सा चीज है दोस्तों, नॉर्मल सा चीज है। आप मेरे को सब लोग बोलने लगे कि मैं नाम नहीं लूंगा, सब मेरे भाई लोग हैं यार, सब मेरे दोस्त हैं, ऊपर से जो जानते थे वो भी बोल रहे हैं, जो नहीं जानते थे वो भी बोल रहे हैं। अबे काम वाम कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी काम नहीं है तुम्हारे पास, मतलब जब देखो वीडियो बनाते रहता है, जब देखो ये करते रहता है, उन लोग का भी गलती नहीं है दोस्तों, वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं कि टाइम पास हो रहा हूँ। जो आदमी नहीं जानता यूट्यूब को क्या बोलेगा, तो ऐसे से बोलता था, तो मुझे लगता था यार छोड़ दो यार, क्यों बना रहा हूँ मैं वीडियो, इन क्यों बना रहा हूँ जब इतना कोई बोल ही नहीं रहा, इतना मतलब मेहनत कर रहा हूँ, कुछ 30 आदमी देख रहा भाई। मैंने सोचा छोड़ो, मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस टाइप हो गया कि मैं क्या करूँ, मैंने बोला छोड़ो। तो उसके उस दिन के 4 दिन तक मैंने वीडियोज अपलोड नहीं किए दोस्तों। फिर मैं एक दोस्त का कॉल आया, कहते हैं ना कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है, मानते हो, मानते ही होगे। तो उस दिन मेरे को एक दोस्त ने बोला भाई तेरा वीडियो नहीं आ रहा, तो मैंने उसको बोला भाई वीडियो तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यार बनाऊंगा ही नहीं मैं, क्योंकि वेस्ट है भाई, कोई देख ही नहीं रहा। तो बोलता है भाई अगर तुम इस बात के लिए छोड़ दे रहे हो यूट्यूब कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, तो भाई तुमसे बड़ा महामूर्ख आदमी कोई नहीं, बेवकूफ कोई नहीं है। तो उसने मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन उस दिन दिया और मैंने क्या किया, फिर अगले दिन ही वीडियो बना के अपलोड किया, सॉरी अगले दिन नहीं, उसी दिन शाम में 6 बजे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया उसी दिन। तो चौथा दिन मैंने वीडियो अपलोड किया, मतलब 3 दिन नहीं किया था अपलोड, उस दिन किया। तो उस दिन भी भाई मेरे 40 ही व्यू गए, तो मैंने अरे यार फिर से 40 व्यू, 40-50, कब तक चलेगा भाई ऐसे, मतलब 2 साल बर्बाद, मतलब कुछ। अचानक से जो मैंने 6 बजे जो वीडियो अपलोड किया उसके बाद उस दिन भी मेरे मतलब 40 व्यू गए, तो फिर मैं सोचा यार क्या फिर से 40 व्यू, तो मैं क्या करूँ यार अब ऐसा। तो क्या हुआ, मैंने वीडियोस गौर कीजिएगा, मैंने वीडियोस बनाने बंद नहीं किए उसके बाद से। मैंने लगातार 2-3 वीडियो डाला और मेरा मेहनत बहुत दिन से चल रहा था दोस्तों। और जैसे मैंने एक दिन वीडियो अपलोड किया 2:30 बजे, जो बात है 2:30 को मैंने
2:30 PM को मैंने वीडियो अपलोड किया, और दोस्त विश्वास नहीं करो, जिस व्यू के लिए मैं मरता था 24 घंटे में 80 व्यू आते थे भाई, बहुत रगड़ के 80 व्यू 24 घंटा में 80 व्यू। उस दिन मेरे वीडियो, जो मैंने वीडियो 2:30 पे डाला था, उस वीडियो पे मैंने मात्र 20 मिनट में 150 क्रॉस कर गए। और फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में ऐसा था कि 20 मिनट में वीडियो में 150 व्यू आए। और उस व्यू पे मेरे 500-600 व्यू चले गए। इंप्रेशन यूट्यूब भेज रहा है लगातार, पहले इंप्रेशन यूट्यूब भेजता था 200, अब भेज रहा है 8,000, 10,000, 12,000। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, आपको मेहनत हमेशा करती रहना है, रोना नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई परेशान कर रहा है, बोल रहा है कि अरे यार क्या करते हो, पता है यार, अगर आप हनी लेने जाओगे ना, हनी, रॉ हनी, मार्केट वाला नहीं, तो उसमें क्या होगा, आपको हनी भी मिलेगी, जो बात है, आपको डंक भी लगेंगे लेकिन आपको रियल हनी वहीं से मिलेगा। तो सोच लो दोस्तों, अगर आपको रियल हनी चाहिए, अगर नॉर्मल चाहिए तब तो भाई आप मार्केट में जा सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। सो सिंपल सा चीज़ है भाई, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग मेरा बात सुने। और तो उस दिन क्या हुआ भाई, फिर मैंने एक वीडियो डाला 2:30 पे, 2:30 पे डालने के बाद अचानक से मैं देखता हूँ कि 20 मिनट के अंदर में मेरा वीडियो चला गया 150 व्यू, अचानक से 20 मिनट के अंदर, जो कि 80 व्यू लगता था मेरा, मतलब 24 घंटा के बाद मेरा 80 व्यू आ रहा है, तो बहुत बड़ा बात हो गया मेरे लिए। आज के टाइम में मेरा व्यू जा रहा है 600, 500, 1000 व्यू भी जा रहा है मेरा। इंप्रेशन पहले जो यूट्यूब भेजता था 200 बहुत हो गया, 200 ज्यादा लगता था भाई, और बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता नहीं था। अब भाई मेरा वीडियो पे इंप्रेशन जा रहा है 12,000, ठीक है। एक भाई ये वीडियो सिर्फ न्यू कंटेंट क्रिएटर के लिए भाई, जिनका अभी, जिन्होंने अभी शुरू किया है, ये मोटिवेशन के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो भाई मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ आप लोग से कि आप लोग मेहनत करते रहिए, किसी का बात मत सुनिए कि कौन क्या बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है कि ऐसे करो, वो नहीं करो, वीडियो क्यों बना रहे हो भाई। प्लीज फोकस ऑन योर गोल, द थिंग इज दैट फोकस ऑन योर गोल। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि एक बात याद रखना, लोग सपने देखते हैं, मैं मानता हूं सपने देखते हैं लोग, मेरा मानना है दोस्तों सपने हमेशा आसमान में रखने चाहिए, सपने छोटे मत देखो दोस्तों। सपने अगर छोटे देख रहे हो तो फिर तो मतलब ही नहीं है, सपने छोटे देख रहे तो मतलब ही नहीं है। आप सपने हमेशा देखो ऊंचे, आसमान में टच करो सपने, लेकिन आपके कदम हमेशा जमीन पे होने चाहिए दोस्तों। अगर आपके कदम जमीन पे हैं और सपने आसमान में, तो एक ना एक दिन आप कहीं ना कहीं आसमान के पास पहुंच ही जाओगे। लेकिन अगर आपने सपने देखे ऊंचे और आपके कदम आसमान में है, कदम गौर कीजिएगा, अगर आप सपने देख रहे हो ऊंचे और कदम भी ऊंचे ही हैं, तो भाई फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। अब आप अचानक से सोच रहे हो कि भैया हम तो भाई इलॉन मस्क बनना चाहते हैं, पर तुम घर में बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो, तो भाई तुम बन नहीं सकते। तो सिंपल सा चीज है दोस्तों, मेहनत करो ऐसा कि तुम्हारे डंका का जो आवाज हो ना, दूर दूर तक सुनाए दे विदाउट तुम्हारे बताए हुए, समझे। सक्सेस जो है ना भाई, सक्सेस एक बहुत छोटा सा शब्द है सक्सेस, लेकिन पता है क्या, इस छोटे से शब्द में एक बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है। आज मैं एक स्ट्रगलर, आई एम राइट नाउ स्ट्रगलिंग एट यूट्यूब, जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि एक ना एक दिन तो ऐसा होना है भाई, ऐसा कि लोग बोलेंगे यार ये तो मेरा दोस्त हुआ करता था, ये तो मेरा भाई हुआ करता था, इससे इसको तो मैंने देखा है यार इधर। और गाइस बहुत लोग मुझे डीएम किए जा रहे हैं इस पे यूट्यूब पे, मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि हेलो सर कैसे हो आप, हेलो सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो भाई सबसे पहली बात, मैं सर नहीं हूँ, मुझे आप अपने भाई के नाम से बुलाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। और मेरे दोस्तों आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं उसमें आप बोल रिप्लाई नहीं देते हैं, तो भाई आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे, आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, उसमें वहाँ इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे जाइए फॉलो कर लीजिए अपने भाई को, और वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। और मैं रियलिटी में एक बात आपको बोल रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, मैं आज ही नहीं आगे भी आपका फ्री प्रमोशन करूँगा दोस्तों, अगर आप जेन्युइनली अगर मेहनत कर रहे हैं तब ही। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और जितने लोग बोल रहे हैं कि हाय सर मैं मिलना चाहता हूँ प्लीज मिल लीजिए मुझसे, प्लीज मिल लीजिए, तो मैं देख रहा हूँ मुझे मैसेज आ रहे हैं, तो भाई मैं आपको बोल रहा हूँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मिलना है मुझे, मुझे खुशी होगी आपसे मिलने में। और आप बस एक काम कीजिए, आप डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे, और आप टाइम बताइए कब आप फ्री हैं,
तो उसके हिसाब से मैं बता दूंगा कि हाँ इस टाइम पे इस जगह आपको मिलना है, तो प्लीज आई वहां पे आइए, मैं खुद आ जाऊंगा आपसे मिलने के लिए। सो आप मेहनत करते रहिए और सब लोग एक दूसरे का मोटिवेशन बन के रहेंगे। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मोटिवेटेड अगर आप फील किए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अब मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूं मैं। मेरा नाम अमित सिंह है और आप देख रहे हैं चैनल बिहार टू स्काई। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अमित सिंह साइनिंग ऑफ।